खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। कोई बढ़िया खाना बनाना हो तो उसके लिए चाहिए फुर्सत, और फुर्सत में मिला दी जाए थोड़ी सी मोहब्बत तो बनता है हैदराबादी खाना। आज का पूरा खाना जो है हैदराबाद से। अब हैदराबाद का खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बना? भाई वहाँ के जो नवाब हैं उनके पास इतने बढ़िया बड़े खाने कैसे आए? भाई मुगलों के ज़माने के जो खानसामे थे वो वहाँ पर आके बस गए, और उन्होंने जो पुराने ज़माने का स्वाद था, रिचनेस थी, उसमें मिलाया थोड़ा सा साउथ इंडियन टच, यानी करी पत्ता, उसमें थोड़ी सी इमली, थोड़ा सेसमी, और फिर देखिए बन गया हैदराबादी खाना। आज का पूरा एपिसोड हैदराबादी खाने का, बस फुर्सत निकालिए थोड़ी सी। शुरुआत करते हैं बूटे के समोसे। क्या है मैं बताता हूँ, पहले समोसे के लिए समोसे का आटा ये लेना है हमें, और इसमें डालना है नमक, और उसके साथ साथ तेल, ये तेल इसके अंदर ये लीजिए, ये आटा हम गूंद लेते हैं, और उसके साथ साथ पानी डालकर इसका एकदम सख्त आटा गूंदना है। ये लगता है मुझे हो गया है तैयार। भाई एक काम करते हैं, इसके जरा पेड़े बना लेते हैं। अब इसकी जो स्टफिंग है, मैंने कहा कि बूटे के समोसे, तो ये जो है इसमें हम डालेंगे मूंग दाल, और ये जो मूंग दाल है ये ऐसे नहीं पका के डालनी है, नहीं एक्चुअली मूंग दाल नहीं, होल मूंग डालेंगे इसमें। बड़ा सिंपल सा है, आप थोड़ा इसे मूंग दाल को पहले पानी के अंदर भिगोएं, ये देखिए मूंग को, होल मूंग को, मैं बार बार मूंग दाल कह रहा हूँ, और उसके बाद नमक डालकर इसे आप पका लें। इसे बस इतना ही पकाना है कि ये गल जाए, इसे थोड़ा सा इसमें छौंक लगाना है, और इसमें हरी मिर्च, और इसमें मूंग, अब इसमें नमक, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक जब मूंग को उबाला था उस समय भी डाला था तो इसलिए ज़्यादा नहीं। उसके साथ साथ थोड़ा नींबू का रस, और ये हो गया तैयार, ये इसकी स्टफिंग। और मेरे पास यहाँ पर है तेल, ये तेल इसलिए रखा है ताकि जब समोसे बनाएं हम उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए तेल गर्म रखा है। और अब ये जो मेरे पास पेड़ा है इसे बेलना है, थोड़ा सा तेल लगाया, और ये लीजिए, और अब बीच में से काट लिया। इसको इस तरह से हथेली पे रखें, ये जो कटी हुई साइड है इसको इस तरह से ये फिंगर के पैरेलल, और यहाँ लगाएं पानी, किनारे पे भी लगाएं पानी, और अब यहाँ से इसे ये देखिए इस तरह से ये कर लें फोल्ड, इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर भरें ये मूंग, और फिर बीच में से एक इसमें इस तरह से फोल्ड दे दें, ये देखिए यहाँ से, और अब इसको यहाँ से ये कर दिया बंद, और ये जो समोसा है इसको तेल में, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसको डालें, बाकी समोसे भी डाल देते हैं हम, ये देखिए, और अब इसे आप फ्राई करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, लेकिन आंच धीमे। ये देखिए ये जो समोसा है एकदम क्रिस्प करारा, इसको निकाल के बस थोड़ा सा तेल निकल जाए और इसको खाएं। जी हाँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। बूटे में समोसे के लिए हमें चाहिए एक कप साबुत मूंग उबली हुई, एक कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, तीन बड़े चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, डेढ़ बड़ा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए एक डेढ़ बड़ा चम्मच तेल गरम करके इसमें हरी मिर्च की पेस्ट और उबली हुई मूंग डालकर भून लें। इसके साथ इसमें नमक और नींबू का रस डालकर मिलाएं और थोड़ा सुखा लें। अब एक बोल में मैदा ले लें, इसमें नमक, डेढ़ बड़ा चम्मच तेल और पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंथ लें।
अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इसे पतला बेल लें। चाकू की सहायता से इसे दो भागों में काटें और एक भाग के कटे भाग पर थोड़ा पानी लगाकर इसको मोड़ के इसका कोन तैयार कर लें। अब इसके अंदर तैयार स्टफिंग को भरें और इसे बंद करके गर्म तेल में तैयार समोसों को सुनहरा होने तक तलें और किसी किचन टावल पर निकालें और फिर इसे परोसें। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा हैदराबादी फूड स्पेशल। भाई हैदराबाद के खाने के क्या कमाल हैं, इतनी बढ़िया चीज़ें होती हैं। अब हैदराबाद के खाने में प्याज कितना डलता है, कभी कभी नारियल भी डलता है, मिर्ची का सालन बहुत अच्छा बनता है। प्याज तो एक ऐसी चीज़ है जो किसी ग्रेवी में डाल दो तो उसका टेस्ट ही बदल जाता है। लेकिन ढेर सारे प्याज, एक काम करते हैं प्याज की तरकारी बनाते हैं। हैदराबादी प्याज की तरकारी। चलिए इसके लिए हमें चाहिए प्याज और प्याज को स्लाइस करना है। और ये इसके लिए जो प्याज स्लाइस करें बहुत पतला नहीं करें, ये देखिए। और क्या करना है, चलिए तेल डालकर ये कढ़ाई में गरम कर लेते हैं इसे और तब तक मैं प्याज स्लाइस कर लेता हूँ। अच्छा, इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें प्याज ही प्याज है और बहुत कम चीज़ें हैं, उसके अलावा मसाले भी बहुत कम हैं। प्याज के अंदर काफ़ी मिठास होती है, नहीं मिठास ऐसे नहीं, मिठास जब ये प्याज पक जाता है, चाहे वो बॉयल हो, रोस्ट हो या फ्राई हो, कैसे भी पके प्याज की मिठास बढ़ जाती है। प्याज वैसे तो बहुत पंजेंट होता है, काफ़ी शार्प होता है, लेकिन वो जितनी भी पंजेंसी है, शार्पनेस है, वो वोलाटाइल होती है, कुछ कटने से उड़ जाती है, इसीलिए आँखों में रोना आता है और उसके बाद बाकी जो है वो हीट से उड़ जाती है। तो ये प्याज, स्लाइस्ड प्याज ये लीजिए। भाई हैदराबाद के खाने के जो किस्से हैं, बड़े बड़े होते हैं, लोग क्या क्या नहीं करते थे खाने के लिए, और हैदराबाद के जो नवाब हैं उनके तो नखरे बहुत ही होते थे। खैर, अब हैदराबाद के एपिसोड की बात कर रहे हैं हम, उसमें तरह तरह के खाने और सिर्फ प्याज की तरकारी, मैंने सोचा कोई सिंपल चीज़ भी होनी चाहिए। लेकिन हैदराबादी बिरयानी भी बनाएंगे, घबराइए नहीं, वो भी आ रही है इस एपिसोड में जल्दी ही। ये बना लेते हैं पहले फटाफट। ये प्याज अब हल्का हल्का गुलाबी होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं नमक और उसके साथ साथ ये अदरक का पेस्ट, नहीं एक्चुअली ये लहसुन का पेस्ट था, अदरक का पेस्ट अब डाल रहा हूँ, ये अदरक का पेस्ट, और ये दोनों चीज़ें डाल के ये भून लेते हैं हम। अच्छा, वो लोग जो प्याज नहीं खाते वो इस डिश को कैसे बनाएंगे, नहीं बना तो सकते हैं, खाएंगे नहीं। और अब इसमें हम डालते हैं और मसाले, ज़्यादा नहीं है, ये जो मसाले हैं हल्दी और उसके साथ साथ ये लाल मिर्च पाउडर, ये डालने के बाद इसे कर लेते हैं हम मिक्स। और इसमें डालें थोड़ा सा पानी, पानी छिड़क लें, पानी छिड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे इमली, इमली का पल्प, ये डाल दिया, इसे करते हैं मिक्स, ये लीजिए। और अब आंच धीमे करके ढक्कन लगाकर बस 3-4 मिनट तक इसी तरह से इसको पकने दें और उसके बाद तेल ऊपर आ जाएगा, टेस्ट नमकीन और खट्टा और मिर्चों वाला। और मिठास, मिठास है प्याज की, प्याज की तरकारी, खट्टी मीठी तीखी। जी हाँ, मिठास नेचुरल है, चीनी वगैरह कुछ नहीं है, गुड़ नहीं है, लेकिन आप बना के देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ, पाव के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या ऐसे ही नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। प्याज की तरकारी के लिए हमें चाहिए 8 प्याज स्लाइस किए हुए, 4 बड़े चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट,
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा चम्मच इमली का फल। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें प्याज डालकर इसे सुनहरा होने तक भून लें। इसमें नमक, लहसुन की पेस्ट और अदरक की पेस्ट डालकर कुछ देर तक भूनें। इसके साथ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इसमें एक चौथाई कप पानी और इमली का पल्प डालकर इसे ढककर धीमी आंच पर करीब 5 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। वेलकम बैक खाना खजाना में, एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब बारी है एक और हैदराबादी डिश की। अब ये हैदराबादी डिश बिरयानी में कही थी तो बिरयानी बनाते हैं और बिरयानी बनाएंगे एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में और ऐसी बिरयानी बनाएंगे, नहीं घर में आसानी से बना सकते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो क्या क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्याज चाहिए आपको, तो ये जो प्याज है इसको स्लाइस कर लें। चलिए एक काम करते हैं, प्याज स्लाइस कर लेते हैं पहले। और ये ले लिया प्याज, जो प्याज आप स्लाइस करें, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए प्याज की। ये प्याज स्लाइस हो गया और मैंने इधर पानी गरम करने के लिए रखा है। और ये पानी किस लिए गरम करने रखा है, इसमें चावल पकाएंगे। तो एक काम करते हैं कि चावल पकने के लिए रख ही देते हैं, ये चावल रख देते हैं पकने के लिए। ये नमक, इसमें नमक के साथ साथ तेज पत्ता और ये काली मिर्च और हरी इलायची और दालचीनी, इसे पार बॉईल करेंगे हम। और क्या करना है, ये प्याज जो है कुछ इसे डीप फ्राई कर लें, तल लें। तल के ये जो प्याज है निकाल लें, किसी न्यूज़पेपर के ऊपर रखें, किसी किचन टॉवल के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए। और अब एक मसाला बनाना है और ये जो मसाला है बड़ा सिंपल सा मसाला है। इसमें ले लेते हैं हम शाही जीरा, ये शाही जीरा, उसके साथ साथ दालचीनी, काली मिर्च और लौंग और ये इलायची। ये जो मसाला है, क्या खुशबूदार मसाला, वाह। और अब मुझे चाहिए मटन। जी हाँ, मटन की बिरयानी बनाएंगे तो उसके लिए मटन ले लें और इसमें डालें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, उसके साथ साथ नमक। ये चीज़ें लेकर आपने इसे इस पे मलना है। ये चावल जो हैं ज़्यादा नहीं गलने चाहिए। और अब ये जो मटन है इसमें हम डालते हैं ये बढ़िया सा पिसा हुआ मसाला, उसके साथ साथ इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर और ये जो प्याज है इसको क्रश करके इसके अंदर, और इसमें डालें दही, दही के साथ साथ पुदीना और धनिया। अब इसके अंदर डालना है थोड़ा सा तेल। भाई वाह, ये जो हैदराबादी बिरयानी है बहुत चीज़ें ले रही है। और इसे कर दें मिक्स, आहा। और अब इसको रहने दें इसी तरह से करीब 2 घंटे तक। जी हाँ, 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखें, चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं। चावल, तो चावल निकाल लेते हैं हम मटन पकाने के लिए। ये ले लें एक बर्तन और इसमें घी, घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें डालें मोटी इलायची और दालचीनी, ये लीजिए। और अब इसमें जो प्याज है जो स्लाइस किया था वो, और इसे कर देते हैं मिक्स। अब ये जो मटन है जो मैरिनेट किया हुआ, दही, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च और वो जो गरम मसाला बनाया था, दही, पुदीना, धनिया, सारी चीज़ें इसमें, और ये जो मसाला है ये सारा का सारा इसमें डालें। भाई वाह, और इसको कर लेते हैं मिक्स। ये ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर और अब इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे, तब तक जब तक मटन पूरी तरह से गल ना जाए, चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ये जो मटन है क्या हाल है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। और इसको हम पकाएंगे
दम में मैं ये एक बड़ा बढ़िया सा ये मिट्टी का ये लेके आया था, इसमें ये इलेक्ट्रिक है, थोड़ा सा घी और फिर ये जो चावल हमने पकाया है ये ज़्यादा नहीं, और बस इसमें ये मटन जो है एक ही लेयर डालते हैं और फिर थोड़े इसमें पुदीने के पत्ते, ये लीजिए पुदीने के पत्ते, और वापस ये चावल, ये लीजिए, और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा केसर वाला दूध। अब इसको ढक्कन लगाकर दम पर पकने दें। जी हाँ, इसे करीब आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दें और उसके बाद इसको खोलें। हाँ, खोलें तभी जब परोसना हो। गर्मा गर्म ये बिरयानी इसी तरह से टेबल पे लेके जाएं और जैसे खानी है वैसे खाएं। खुशबूदार मटन बिरयानी हैदराबाद से। वैसे ये जो स्टाइल है ट्रेडिशनल है और बहुत तरीके से बनती है बिरयानी। घर घर में अलग रेसिपी होती है, रेस्टोरेंट में अलग रेसिपी होती है, अलग अलग नवाब की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन ये रेसिपी है नवाब संजीव कपूर की। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एग्री क्या। हैदराबादी बिरयानी के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मटन के पीसेस, 1.5 कप बासमती चावल, नमक स्वादानुसार, 2 तेज पत्ते, 10 हरी इलायची, 3 काली मिर्च, 3 1 इंच के टुकड़े दालचीनी के, 1 प्याज और 1 बड़ा चम्मच तेल, 5 प्याज स्लाइस किए हुए, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 10 लौंग, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच हरे धनिया की पत्तियां, 2 बड़े चम्मच पुदीने के पत्ते, 4 बड़े चम्मच घी, 2 काली मिर्च और थोड़ा सा केसर दूध में भीगा हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में करीब 6 कप पानी गर्म करके इसमें चावल, नमक, तेज पत्ते, 5 हरी इलायची, 8 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसे तब तक पकाएं जब तक चावल 3/4 ना पक जाए, फिर इसे छान के रखें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें प्याज डालकर इसे सुनहरा होने तक तलें और इसे किसी कागज या किचन टॉवल पर निकाल लें। अब शाही जीरा 1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी का, बची हुई काली मिर्चें, लौंग और बची हुई हरी इलायची को मिक्सी में डालकर इसे पीस लें और इसका पाउडर बना लें। ये तैयार हो गया बढ़िया सा फ्रेश गर्म मसाला। एक बोल में मटन के पीसेज में अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, तैयार मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आधी तली प्याज, दही, धनिया की पत्तियां, आधी पुदीने की पत्तियां और 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर मिक्स करें और इसे रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे तक रखें मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करके इसमें बची हुई दालचीनी, काली इलायची और प्याज डालकर भूनें। इसमें मैरिनेटेड मटन के पीसेस को तेज आंच पर करीब 5-10 मिनट तक भून लें। दूसरे पैन में बचा घी गर्म करके इसमें चावल, मटन, पुदीने के पत्तियां और दूध में भीगा केसर डालकर इसकी लेयर लगाएं और इसे ढककर दम पर मटन गलने तक पकाएं और सर्व करें गर्मा गर्म। और अब बारी है आज की टिप की। फटाफट एक रायता हो जाए। इस कुकुमर और नट रायता के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दही फेंट कर, इसमें 2 ग्रेट किए हुए खीरे, 10 किशमिश, 2 बड़े चम्मच कुटे हुए अखरोट, नमक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर मिक्स करें। दीजिए ठंडा करके तैयार है आपका कुकुमर एंड नट रायता। आज बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, फिर मिलेंगे किसी और सियासत में। तब तक नमस्कार, प्रणाम, आदाब।